Good morning dear students, once again welcome in the physics lecture. I know that in last lecture I have told you to gather the formulae about the gravitational field and gravitational potential for ring, disc, solid sphere and hollow sphere. So that is very important for your problem solving. Okay, so no derivation will be asked for any, only you have to solve the problem regarding to that. Today we will go for again the gravitational potential energy. Okay, so I will suggest you to refer the model for gravitational potential energy formula and how to calculate. Okay, so actually what is that? Gravitational potential energy. As you know that in last lecture I have shown you the work done. Work done was there G Mn on R. And you are doing that. Work done is always stored in the form of potential energy. So as work done is stored in the form of potential energy, therefore I can write U is equal to minus G Mn upon R. Okay, so we have potential energy for single object. Okay, so ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट. सपोज इफ आई डू हैव टू ऑब्जेक्ट्स, सो पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स. So for the potential energy of two particles, suppose this is the particle 1 of mass m1, this is the particle 2 of mass m2, this is r. So yahan pe m1 m2, okay, ye do particle hai, to ye do particle ka system ka potential energy kaisa hai? So I will suggest you to open your module. In that module, just go for page number. मतलब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं. गो फॉर पेज नंबर 17, 18 onwards, 16 or 17. Let me open that so that you will be able to understand. मैं तो आपको दिखा ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा उसका ये आना चाहिए. ये देखो पेज नंबर 16 पे ही है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम. ओके, तो अभी थ्री पार्टिकल दिया है, टू पार्टिकल दिया है, वो क्या करने का है वो मैं आपको बता देता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे आपको थ्री पार्टिकल का दिया है, बराबर. ये जो ऊपर वाला है आपका जी माइनस जी एम वन एम टू अपन आर वन टू, एक्चुअली आपको क्या करना है, एन पार्टिकल के लिए उसको जनरलाइज करना. मतलब क्या करना है, फॉर एन पार्टिकल्स, और उससे आपको कितने भी टू पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल, जितना निकालना है कर सकते हैं. एकदम सिंपल लॉजिक है. कैसे करते हैं, माइनस जी को बाहर लेने का, हाँ, और सबके कॉम्बिनेशन बनाना. मतलब कैसा, वन टू वन थ्री वन फोर. सपोज दो है, दो है तो कैसे लिखूंगा मैं, वन टू और टू वन, तीन पार्टिकल, वन टू टू थ्री वन थ्री. तो ये वन टू टू थ्री वन थ्री ये क्या है, तो वो है यहाँ पे दो पार्टिकल, सपोज यहाँ पे तीन पार्टिकल, तो
हो जाएगा। तो यहाँ पे R12, R23 and R13 ये जो है ये 1 2 1 3 1 2 2 3 and 1 3 आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है तो अपना रेगुलर पोटेंशियल एनर्जी का भी फंडा चल सकता है, उसके लिए अपने को दूसरा फॉर्मूला लेने का जरूरत नहीं है। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है M1 M2, वही सेम यही है, ये जो आपका है इसमें से G मैंने बाहर निकाला और अभी पहले दो पार्टिकल लिए, देखो ठीक से देखो, पहले से बता देता हूँ आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, U = -GMM/R। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है उसके लिए पहले दो पार्टिकल, तो M1 M2 upon R1, ये 1 2 हो गया प्लस, अभी 1 2 हो गया, अभी 2 3 तो प्लस M2 M3 upon R2 3 प्लस M3 M4 upon R3 4 प्लस एंड सो, समझ गए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको, तो आपको वो जो आपको 16 पे दिया है तो वही 16 का आपको फॉलो करना है। ओके, थ्री पार्टिकल सिस्टम दिया है आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी दिया है, बराबर वो दो फॉर्मूला आपको मेरे ख्याल से उतना ही है, बाकी कुछ नहीं, उतना दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसमें से पहला फॉर्मूला आपको मैंने दिया है फॉर एन पार्टिकल्स, टू पार्टिकल के लिए अलग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 M1 M2 M2 M1 R1 2 R2 1 उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, तो उनके बीच में उनका दो का पोटेंशियल एनर्जी यही है, रिगेटिंग में पॉइंट। उसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब एक किसी एक से मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर और ये इसको अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए जो एनर्जी मिलेगा मतलब आइदर आपको मिलेगा जी एम वन या फिर एम एम है, उसमें मैं कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा -GM1 M2 upon R, क्योंकि उधर R12 R21 नहीं आएगा, यह आएगा पोटेंशियल एनर्जी टू पार्टिकल सिस्टम। ओके, इसमें एक सोर्स बन जाएगा, उसमें दूसरा वाला जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा टेस्ट, सोर्स मास टेस्ट मास, वो ज़्यादा ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है आपको, ये आप देख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम अगर आपको देखना है तो उसमें कैसे आएगा, फिर से देखो, फिर से फॉर्मूला आपको U = -GM1 M2 upon R12 plus M2 M3 upon R23 M3 M4 upon R3 समझ गए, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल एक लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ से थ्री पार्टिकल्स, तो सपोज देयर आर थ्री पार्टिकल्स M1 M2 and M3 सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस। सो देखो मैं क्या करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री पार्टिकल्स, तो तीन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, सिंपल U - G। ओके, अब यहाँ पर मैं पार्टिकल लिख के लेते हैं। ओके, तो पहले पार्टिकल लिख के लेते बाद में उसका एनर्जी का वैल्यू लिख। ओके, सपोज देर आर थ्री पार्टिकल्स, ऐसे ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। एक मैंने ट्रायंगल में लिखा, ये M1, ये M2, M3 यहाँ पर 1 2 के बीच में, इसलिए R12 यहाँ R23 R13, तो M1 M2 M3 masses ऑफ पार्टिकल्स, M1 M2 M3 क्या बन जाएगा, masses ऑफ पार्टिकल्स। R12 क्या बन जाएगा, डिस्टेंस
between 1 and 2. R12 क्या बन जाएगा, distance between 1 and 2. R23 क्या बन जाएगा, distance between 2 and 3. And R13 क्या बन जाएगा, distance between 1 and 3. तो ये बन गया मेरा मेन डेटा, और उसको डेटा को यूज करके मैं अपना फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. आई कैन कंस्ट्रक्ट माई ओन फॉर्मूला बाय यूजिंग दिस डेटा. तो डेटा क्या बन गया देखो बेटा, डेटा से मिलेगा क्या, u इज इक्वल टू माइनस जी. अभी फॉर्मूला लिखते हैं, पहले दो मास्क लिखे ये और ये, इसका क्या बन जाएगा m1 m2 अपॉन r प्लस दूसरा मास्क कॉम्बिनेशन आएगा m2 m3 अपॉन r23 प्लस तीसरा कॉम्बिनेशन m1 m3 अपॉन r13. तो ये बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री पार्टिकल सिस्टम. तो हमने पता कर दिया टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अपना आएगा जी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन एम वन एंड एम टू. सेकेंड तीन पार्टिकल के लिए आर वन टू डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू, आर टू थ्री डिस्टेंस बिटवीन टू टू एंड थ्री, एंड आर वन थ्री डिस्टेंस बिटवीन वन एंड थ्री, एम वन एम टू एंड एम थ्री आर द मासेस ऑफ थ्री पार्टिकल्स. एंड हाउ वी कैन गेट द फॉर्मूला, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू प्लस एम टू एम थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस एम वन एम थ्री अपॉन आर वन थ्री. That's all. That is the thing. In general आपको करना है, तो general मैंने अभी आपको इसके पहले दिया है. अगर नहीं है तो मतलब अगर आपने नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो को बैक करो, पॉज करो और उसको नोट डाउन करो. n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या बन जाएगा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू प्लस दूसरा दो से तीन तक एम टू एम थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस आगे जाओ एम थ्री एम फोर अपॉन आर थ्री फोर बाद एम फोर एम फाइव अपॉन आर फोर फाइव. ऐसा करते जाओ एन नंबर ऑफ, चार पार्टिकल दिया है तो वैसे, पांच दिया है तो वैसे. इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी. अगर दो पार्टिकल है तो दोनों का भी एम वन एम टू अपॉन आर, उधर आर वन टू आर टू वन ऐसा मत करो बिकॉज आर वन टू इज सेम एज आर टू वन, देयर इज नथिंग डिफरेंट. और दोनों के बीच में जो क्या है वो आपको सेम ही रहेगा. तो दो पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल के कॉम्बिनेशन के लिए रेगुलर आपका फॉर्मूला रहेगा, एक एम वन एक एम टू, इसके बीच का डिस्टेंस है आर. तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर. ये समझ में आया आपका, ठीक है. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन ऑल्सो, सी द मॉड्यूल पेज नंबर 16, ऑन दैट एवरीथिंग इज एक्सप्लेन प्रॉपरली. ओके, वॉट एवर इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग that I am explaining you on the board and what are the formulae to recollect, to revise, that I am telling. So just make that list of formula in your notebook and try to recollect them day by day. एक दो तीन दिन के बाद उसको पूरा recollect करने का try करो. Okay. तो अभी क्या है, अभी ये बात है, अभी ठीक है, वीडियो को बैक करो, पॉज करो, नोट डाउन करो. अपना तो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हो गया. एक्चुअली मैंने आपको दो तीन लेक्चर पहले ही बताया था, एक्चुअली हम क्यों पढ़ते हैं ये सब ग्रेविटेशन वगैरह. एक्चुअली असल में अपन को वो सब यूज करना है अर्थ के लिए, बराबर, अर्थ के लिए. तो अगर मैंने एक बॉडी लिया विच इज एट अ डिस्टेंस एट अ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो अपन को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ बन गया. तो सपोज अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे एम मास का कोई कॉन्सेप्ट है, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
सपोज इसको बोलते हैं वन एट हाइट एच, और अगर बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे मास m है, तो सेकंड ऑन द अर्थ सरफेस, एकदम सिंपल है। अभी ज़्यादा कुछ इसमें इधर उधर करने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट है। डायरेक्टली आपको क्या देखना है, डायरेक्टली आपको देखना है, एक मिनट, डायरेक्टली आपको देखना है आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ये बन गया। तो अभी माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा उधर रिवाइज कर देता हूँ, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ओके अभी शायद दिख रहा होगा। पर आर क्या है, सपोज अर्थ का मास सेकंड है, उस बॉडी का मास स्मॉल है, ये क्या है एट हाइट एच है, और दूसरा है ऑन द अर्थ सरफेस। तो मेरा आर क्या है, तो मैंने आर लिखा है स्मॉलर इज आर प्लस एच, तो जनरल फॉर्मूला मेरा बन गया माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर बन गया। तो नंबर वन, एट हाइट एच, तो एट हाइट एच क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम जी एम एम अपॉन आर। लेकिन मेरा आर कितना है, आर प्लस एच है, तो मेरा यू कितना बन जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, अगर आपको जाना है ऑन अर्थ सरफेस, अगर आपको देखना है ऑन अर्थ सरफेस, तो ऑन अर्थ सरफेस है तो u कितना बन जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन, यहां पे ऑन अर्थ सरफेस r विल बी इक्वल टू r बिकॉज h विल बी जीरो, सरफेस पे हाइट नहीं आएगा, माइनस जी एम एम अपॉन। ओके अभी देख लो इसमें क्या मजा आता है। अगर इसको मैंने आगे एक्सट्रापोलेट किया, ओके बट ए नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ओके दैट मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट, ओके। तो मैग्नीट्यूड में जस्ट उसका वैल्यू है तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो एट हाइट एच मेरा जी एच कितना आता है, तो जी एच आपको मालूम है, जी एच कितना आता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच, बराबर। तो क्या मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच बोल सकता हूँ, क्या मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच बोल सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स आई कैन से दैट इट इज एम जी एच। सो जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वही है, ओके क्योंकि जी जी एच कितना आता है, जी एम अपॉन आर प्लस एच, और बाद में आप जी एच का वगैरह वैल्यू वो सब चीज़ें वगैरह कर सकते हैं, बराबर। तो उसको ही बोल सकता हूँ, और यहाँ पर कितना है ना, जी एम अपॉन आर, और ये स्क्वायर आता है इसको, और एक आर प्लस एच उधर जाएगा, तो वो सब होके आपको मिल जाएगा, ओके। तो वो ज़्यादा उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। सो दिस इज फर्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। एट हाइट एच उसका वैल्यू कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और एट ऑन अर्थ सरफेस माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये दोनों उसका वैल्यू हमको
मिल जाएगा. सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन सो दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. तो बेटा नाउ वी गो फॉर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द अर्थ. तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी चाहिए, वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आप बोलोगे सर ये कहां से आया, ये क्या हुआ, तो ये किस चीज के लिए आता है. तो दो बॉडी अगर फिक्स है, हिल नहीं रही, तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, उसका टाइम पीरियड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, देयर विल बी नथिंग. बट इफ दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रिवॉल्विंग, बिकॉज यू नो दैट, व्हाट यू नो दैट अर्थ इज, this is sun, earth is revolving around the sun in the elliptic orbit, also earth revolves about, rotates about itself and rotates about sun. तो उसके लिए earth को होगा angular velocity, angular frequency, frequency and time period. तो ऐसे तो घूमते हैं ये मैंने earth के लिए, तो अभी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तो अपना सिस्टम है उसमें अर्थ और मून है, बराबर. मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो सैटेलाइट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो उनके कॉन्टेक्स्ट में है, उनके कॉन्टेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें कैसी होती है. लेकिन वो चीज़ें सीखने के लिए पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, तो ऐसी बॉडी जो अर्थ के एक डिस्टेंस पे, किसी एक डिस्टेंस पे रोटेट कर रही है, अर्थ को चक्कर लगा रही है, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं अपना सैटेलाइट. हाँ, सैटेलाइट के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट हो सकता है, नहीं तो मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है, उसमें भी अलग अलग टाइप के सैटेलाइट आते हैं. लेकिन ये चीज़ जो है कि अर्थ से किसी भी एक डिस्टेंस पे अगर किसी भी चीज को घूमते रहना है ऐसा, तो व्हाट आर द क्राइटेरियाज सच दैट दिस बॉडी विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दैट वी हैव टू सी. इसलिए मैंने पहले नाम लिखा था, लेकिन मैं पहले उसको कट करके पहले ये चीज आपको आपके साथ डिस्कस कर. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और लेक्चर का कंटिन्यूटी मत खो देना. इसलिए बीच बीच में जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए, उसको आप नोट डाउन करके ले सकते हो. ओके, तो इसके कंटेक्स्ट में यू कैन गो विथ योर मॉड्यूल ऑल्सो. तो हमने अभी फ्लूइड पोटेंशियल, बाद में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है. नाउ वी विल बी स्टडी थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स. Important one is binding energy, number one. Number two important, escape velocity or speed. Could you please? एक तो उसको ऐसे वेलोसिटी हो सके, इसके स्पीड हो सके. तो अभी बाइंडिंग एनर्जी, ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, ये अभी ये दो चीजें हैं, ये पूरा हम अर्थ के कंटेक्स्ट में
उसको पढ़ते हैं। इसलिए M1, M2 ये चीज़ें लेने का ज़रूरत नहीं है। एक बॉडी है सपोज, वो सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको, सपोज इधर पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो कहाँ पे भी वो बॉडी अर्थ से किसी भी हाइट पर रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, दैट वी विल कॉल इट एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, उस चीज पे ऑन दैट बॉडी ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, ड्यू टू विच इसको अगर मैंने फेंक दिया तो नीचे गिरता है। तो क्यों नीचे गिरता है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ, तो अभी इसको नीचे नहीं गिरने देना है, तो उतना ही फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, तो इधर रह सकता है, फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसका मतलब है उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, अगर वो बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसमें उसका खुद का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जो हमने अभी पढ़ा है। तो अगर बॉडी के पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है तो वहां से बॉडी को रिमूव करना है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर रिमूव करना है, ओके, और वहां से रिमूव करना है उस डिस्टेंस से आगे लेके जाना, तो ऑलरेडी उसके पास जितना एनर्जी है उतना एनर्जी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। किसी एच हाइट पे एक बॉडी है, किसी एच हाइट पे सपोज एक बॉडी है एम मास, ओके, यहाँ पे हाइट मेरा एच है और यहाँ पे मास एम है, तो अभी उसके पास खुद का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा ना बेटा, द ऑटोमेटिकली ऑलरेडी द बॉडी विल हैव इट्स ओन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बराबर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इफ आई हैव टू डिस्प्लेस दैट बॉडी, इफ आई हैव टू रिमूव दैट बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट, तो एटलीस्ट आई हैव टू गिव दैट बॉडी हाउ मच एनर्जी, जितना एनर्जी उसमें है उतना एनर्जी देके उसको रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए बाइंडिंग एनर्जी के लिए वो हम जो बोलते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ अपन को समझ में लेना होगा। वहाँ पे आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बाद वो आ सकता है, ओके। तो पेज नंबर आप क्या करो, पेज नंबर 19 के पहले, हाँ ठीक है, पेज नंबर 18-17 वो सब प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उधर क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी तक उसको कंप्लीट करो, इसके बाद में हम बाइंडिंग एनर्जी और इसके वेलोसिटी अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी को फिर से पढ़ के लो, उसके बाद में उसके कंटेक्स्ट में बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है ये भी आपको पढ़ा होगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में भी रहता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, हाँ, तो जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको जो ये करता है न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बराबर, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसके मतलब उस ऑर्बिट से वो बाहर नहीं निकलते हैं, एक्चुअली वो ऐसे रिवॉल्व क्यों करेगा, ऐसे आएगा और ऐसे निकलते जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या कंटिन्यूसली फोर्स है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने दिया है, न्यूक्लियस ने दिया है,
तो अगर न्यूक्लियस ने दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। वैसे ही ये जो बॉडी है वो ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। ओके, तो उस कंटेक्स्ट में क्या देखना है वो हमें यहाँ सीखना है। तो यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, मैं इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो आएगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी भी आता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसके कंटेक्स्ट में भी वो चीज़ आती है। सो इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल स्टडी दैट। So students, we were discussing about the binding energy, escape velocity, and then I told you about the critical velocity, that is orbital velocity. So now, first of all, we will go for binding energy. So binding energy, the formula is सैटेलाइट का ध्यान में रखना है। तो अभी तक मैंने सैटेलाइट आपको प्रोजेक्शन कैसे करते हैं क्या करते हैं पढ़ाया नहीं है, इसलिए पहले उसके फॉर्मूले जो है, क्योंकि वो फॉर्मूला बाद में आपको कनेक्शन होता जाएगा उसका, इसलिए आपको लग रहा होगा ये डायरेक्टली सैटेलाइट सैटेलाइट सर बोल रहे, लेकिन सैटेलाइट अभी सिखाया नहीं है। लेकिन सैटेलाइट सिखाने के लिए ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले आपको करके देता हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन ऐसे आता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी पार्टिकल और बॉडी कुछ भी देख सकते हैं फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये अभी हम अर्थ की कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन इन शॉर्ट हम कैसे बना सकते हैं, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ बॉडी और पार्टिकल फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर एक पार्टिकल मास एम का है, अर्थ का मास एम है कैपिटल एम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी भी जी एम एम अपॉन टू आर, इतना एनर्जी बॉडी को देना पड़ेगा तभी बॉडी क्या कर पाएगी, बॉडी विल बी एबल टू गो आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि बॉडी के ऊपर ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ये रिवॉल्विंग बॉडी के लिए क्या क्या होता है वो इसके बाद में हम पढ़ेंगे, पहले आप ये इस डेफिनेशन को ध्यान से याद रखें। और उसकी कंटेक्स्ट में एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी को हम वीई से याद कैसे करते हैं, वीई से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला आता है रूट टू जी एम अपॉन आर और आर प्लस एच, कुछ भी बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए। तो उसका उसके मॉड्यूल में भी आप देखो, मॉड्यूल में आपको पेज नंबर 19 पे उसका ये मिलेगा, 19 पे उसका उसका जो फॉर्मूला वगैरह है एक्सप्लेनेशन उधर मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे देखो। तो जी टू जी एम अपॉन आर, नहीं तो इसको आर भी बोल सकते हैं,
अगर आर लिखा तो मतलब बॉडी कहाँ पे है, सरफेस पे। आर प्लस एच लिखा तो बॉडी हाइट एच पे, वहां से उसको स्केप करते हैं। तो वहां पे हम आर लिखते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता चले। तो ये जो है ये मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सो दैट, देखो इसका डिफिनेशन यहां पर हमने क्या लिखा, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रिमूव पार्टिकल फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मिनिमम एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी लिखा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ पार्टिकल फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पर क्या है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। मतलब ये पेन है, ये पेन अभी किस कितने हाइट पे है, एच इतने हाइट पे अर्थ से। ओके, अर्थ से, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ये एच इतने हाइट पे। तो इस पेन को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, वो बनेगा अपना बाइंडिंग एनर्जी। नहीं तो अगर कोई चीज, ये पेन सपोज, ये पेन नहीं तो कोई बड़ा वाला चीज देखो, कोई घूम रहा है, घूमने वाली चीज के लिए हम अलग बोलते हैं। अभी ये चीज को अगर हमको, इफ वी हैव टू टेक इट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, देन हाउ मच एनर्जी आई विल प्रोवाइड, दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी, दैट विल बी जी एम एम अपॉन टू आर। यहाँ पे आर मतलब क्या बन जाएगा, आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच बन जाएगा, और वो एनर्जी होगी। अभी इसको कितने वेलोसिटी से ऐसा ऊपर फेंकना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैंने फेंका नीचे आ गया, थोड़ा और फेंका, मतलब वेलोसिटी मैंने बढ़ा दिया उसको, तो और वेलोसिटी बढ़ा दिया तो थोड़ा और ऊपर जाएगा लेकिन फिर से नीचे आएगा। क्यों, जो वेलोसिटी मैं दे रहा हूँ, जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी जो प्रोवाइडेड है ये, इससे कम एनर्जी मैं उसको दे रहा हूँ, इसीलिए वो बॉडी ऊपर जाके फिर से नीचे आ रही, थोड़ा और एनर्जी बढ़ाए तो थोड़ा और ऊपर जाएगी, थोड़ा और नीचे आएगी, थोड़ा और बहुत एनर्जी दिया, बहुत ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे आए। ऐसा करते 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 एक पॉइंट पे आपको समझेगा, इतना इतना एनर्जी मैंने दिया, इतना जी एम एम अपॉन टू आर, इसका मिला के जितना एनर्जी हो जाएगा, उतने एनर्जी से अगर मैंने उसको, उतना एनर्जी उस बॉडी को दिया, मतलब ऑफकोर्स क्या करेंगे, एनर्जी दे देंगे, मतलब उतनी मिनिमम वेलोसिटी देंगे बॉडी को। अगर किसी बॉडी को वेलोसिटी देना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, इसको मेरे को फेंकना है तो मेरे को एनर्जी देना पड़ेगा ना बेटा। तो वैसे ही इसको अगर उतना एनर्जी देना है मिनिमम, तो कितने वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंकना पड़ेगा, जी टू जी एम अपॉन आर। तो यहाँ पे उस बॉडी के मास का सवाल नहीं है, वहां पे सवाल किसका है, अर्थ के मास का। और मैटर क्या करता है, डिस्टेंस मैटर करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो किसी बॉडी को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होना है, रिमूव करना है, तो उसको जहां पे, जिस डिस्टेंस आर पे है, तो उसको मिनिमम इतना तो वेलोसिटी देना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा दे दोगे तो नो प्रॉब्लम, उससे ज्यादा और आगे जाएंगे, लेकिन इससे कम दे दोगे तो वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसको मिनिमम बोले, कम से कम इतना वेलोसिटी उस बॉडी को देना ही चाहिए, कम से कम इतना वेलोसिटी उस बॉडी के लिए देना ही चाहिए, तो ही वो बॉडी क्या कर सकती है, इट कैन एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वैसे ही मिनिमम एनर्जी इतना देना ही चाहिए, तभी वो बॉडी क्या कर सकती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा है बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। आई नो दैट द डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले आर देयर विद यू, स्टिल इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, आई विल गिव यू वन मिनट फॉर दैट। ओके, अभी हम आगे चलते हैं, आगे चलते चलते अभी हम ऑर्बिटिंग बॉडीज, रिवॉल्विंग बॉडीज का स्टडी करेंगे। तो रिवॉल्विंग बॉडीज कौन कौन सी हो सकती है,
रिवॉल्विंग बॉडीज जो है वो हो सकती है अपने सैटेलाइट, रिवॉल्विंग बॉडीज हो सकती है अपने सैटेलाइट। तो अभी हम सैटेलाइट का स्टेशन, तो सैटेलाइट क्या बनता है? सैटेलाइट का डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, सैटेलाइट का डेफिनेशन करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, सैटेलाइट दे आर द बॉडीज विच आर बॉडीज बॉडीज, क्योंकि क्या बॉडीज मतलब सैटेलाइट मतलब क्या होगा, कुछ लोहे का वगैरह वो सब उसका बना होगा, उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, तो अपने लिए तो वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह वो अभी मायने नहीं रखता है, अभी ये पढ़ने के लिए वो मायने रखता है, उसमें क्या है, सैटेलाइट में एस्ट्रोनॉट भी बैठ सकता है, सब होता है, मेटल होगा वो सब, सब वो सब पीसेस होगी, वो सब हो गए, तो अपने लिए वो बॉडी है, उसका मास कितना है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले साइंटिस्ट अगर सैटेलाइट का पूछेंगे, सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो सब जो पूछेंगे उसमें मेरे पूछेंगे उसका मास कितना है, वो मेरे को याद होना चाहिए, तो मास के बाद में वो उसको कहाँ पे लेके जाके रिवॉल्व करना है, वो भी वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो अपने लिए वो अभी के लिए वो बॉडीज व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में एनी बॉडी व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अभी तक हमने सीखा था अर्थ दिखाया था, एक बॉडी यहाँ पे है वहाँ पे ऐसा दिखे था, अभी बॉडी वहाँ पे रखना नहीं है, बॉडी को वहाँ पे रखना नहीं है, अपन को क्या करना, बॉडी को घुमाना है, मतलब बॉडी को दैट बॉडी मस्ट बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, कौन से भी ऑर्बिट में, तो बॉडी को अर्थ का चक्कर लगाना है, जैसे सर्कुलर मोशन में आपने सीखा था किसी सेंटर के सेंटर एक सेंटर पकड़ के बॉडी ऐसे ऐसे कैसे भी रिवॉल्व होती थी सर्कुलर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे वैसे ही उस बॉडी को अर्थ के चक्कर लगाते हैं, दैट बॉडी हैज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, दैट बॉडी कैन बी टेकन टू बी सेटल। तो उसके टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा आएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है, और आर्टिफिशियल मतलब जो अपने इनसेट सैटेलाइट्स वगैरह है, जो अमेरिका इंडिया चाइना सब अपने अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं, वो बन जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का मीनिंग आपने समझ लिया है, अभी थोड़ा आगे जाते हैं और सैटेलाइट कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन मूवमेंट। ओके, तो हमें आज सीखना है वो इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द क्या बोलते हैं उसको, एक पूरा व्यू उसका देने का मैं ट्राई करूँगा। तो चलो चलते हैं अभी सैटेलाइट का लॉन्चिंग कैसे करते हैं। ओके, लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग, तो लॉन्चिंग मतलब उसको छोड़ना और अर्थ से उसको ऊपर छोड़ना। तो अभी क्या है, ये अर्थ है बराबर, और यहां से मैंने सैटेलाइट को छोड़ दिया, इसको बोलता हूं मैं रॉकेट। तो पहले रॉकेट होता है, तो क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले होता है रॉकेट। तो रॉकेट क्यों होता है, रॉकेट उसको ऊपर ऊपर लेके जाने के लिए, उसको ऊपर लेके जाने के लिए रॉकेट का यूज होता है, रॉकेट के टिप पे जो सैटेलाइट हमें छोड़ना है वहां पे उसको रख देते हैं। तो रॉकेट के टिप पे उसको छोड़ते हैं, पहले क्या करते हैं, रॉकेट में फ्यूल होता है, उसको बर्न करते हैं, तो रॉकेट क्या करेगा, पहले एकदम ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी यही है, ऊपर जाने के बाद अगर उसको मैंने मिनिमम वेलोसिटी कुछ दिया है,
अगर वो उसकी उसको आपको बताया था ना एस्केप वेलोसिटी, उससे अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, रॉकेट फिर से नीचे आना ट्राई करेगा, नीचे आना चालू करेगा, जैसे मेरा पेन गिरता है वैसे रॉकेट भी गिरेगा। तो मेरे को एक एक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा। तो अगर रॉकेट का वेलोसिटी कम है तो क्या हो जाएगा, इट विल गो एंड इट विल वंस अगेन कम, ऊपर जाएगा लेकिन फिर से वो नीचे आएगा, बराबर। उसको पैराबोलिक बात की, ओके। सो इधर वी वुड नो वी दिया हुआ वेलोसिटी इज लेस देन सम वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है तो पहले वो पढ़ना पड़ेगा हमें। क्रिटिकल वेलोसिटी पहले तो पढ़ाया हमने एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी दिया तो क्या हो जाएगा, रॉकेट मेरा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाएगा, घूमना चाहिए ना, तो घूमेगा नहीं वो, तो वो घूमने के लिए उसको जो वेलोसिटी लगता है यहां से लेना है, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, इसको ही ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल सकते हैं अपने नोट्स में, आपकी नोट्स में उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पोजिशन सच दैट क्यों गिवन टू बॉडी सच दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन टू अ बॉडी सच दैट इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट, इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसी को बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये इतना वेलोसिटी है उसका वैल्यू कितना आता है, उसका भी वैल्यू आपको दिया है, उसका वैल्यू आता है जी एम ओपन आर, जितना आपने एस्केप दिया है उससे आधा आता है, वो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी में मिलेगा, पेज नंबर 20 में मिलेगा आपको, 20 नहीं तो उसके बाद में, एक मिनट, उसके बाद में आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 22, वेट फॉर वाइल बाइंडिंग एनर्जी, एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा सीधा है ना इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे देखना पड़ता है, अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी इधर ही होगा कहाँ पे भी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ट्रैजेक्टरीज ऑर्बिटल वेलोसिटी, अरे यार कहाँ चला गया, एक मिनट हाँ बेटा आपको मैं उसका ये पता देता हूँ, नहीं तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसा सर्च करिए उसमें देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको एस्केप वेलोसिटी आपके पेज नंबर 19 में, पेज नंबर 19 पे है एस्केप वेलोसिटी, उसके पहले, अरे यार वो वही मैंने बता दिया, ठीक है मैंने कहीं पे देखा था उसको, वो आप कर सकते हैं, वो आएगा आपका रूट जी एम अपॉन आर, वो क्रिटिकल वेलोसिटी बन जाएगा। तो अपने पास कितने वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी, एक है क्रिटिकल वेलोसिटी, हाँ एक है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और दूसरी है एस्केप वेलोसिटी। तो आपको यही ध्यान में रखना है, तो मॉड्यूल में आप उसको देख सकते हो कितना है क्या है वो, उसका कुछ इतना ये प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूल में आप उसको देख के कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर मैंने उसको एस्केप वेलोसिटी दिया, एस्केप वेलोसिटी जितना वेलोसिटी इनिशियली दिया तो वो जाने वाला है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, उसको अगर मैंने एस्केप वेलोसिटी से कम दिया तो ऊपर जाएगा, लेकिन उसमें भी दो पार्ट है, अगर उसको एस्केप वेलोसिटी से कम दिया तो मैं बोला पहला वी लेस वी इक्वल टू वी, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ अभी ये रॉकेट वगैरह निकाल के उसको हटा देता हूँ, अभी आपको समझ वो ज़्यादा आप देख सकते हो वीडियो वगैरह देख के वो कर सकते हो रॉकेट कैसा प्रोपेल होता है, वो अपने अपने के लिए अपने सिलेबस में उसका ये इतना नहीं है, सिलेबस में क्या है ये मैथमेटिकल चीज़ें ये बहुत आपको ध्यान में आती है, उसके कैलकुलेशंस कैसे कैसे करने हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं, ये चीज़ें आपको
ध्यान में रखनी है। ओके तो यहाँ पे पहले क्या है, अगर दिया हुआ वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से है जितना है तो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट विल क्या हो जाएगा, एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर सैटेलाइट को मैंने उतना वेलोसिटी दिया जितना उसका एस्केप वेलोसिटी है तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जाएगा, तो कुछ अपने को यूज नहीं होगा, अपने को उसको घुमाना। तो अभी इफ वी इज लेस देन वी, अगर है तो उसमें दो चीजें उसमें आता है, उसमें पहला इफ वी इज इक्वल टू वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर मैंने उसको परफेक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जितना वेलोसिटी उसको अर्थ के अराउंड ऑर्बिट चक्कर चलाने में लगता है उतना ही वेलोसिटी अगर मैंने दिया तो क्या हो जाएगा, सैटेलाइट देन सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ करेगा इन सर्क्युलर ऑर्बिट। तो वो सैटेलाइट है वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग द अर्थ इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट। अगर वो नहीं है, अगर वी लेस देन वी है लेकिन वो लेस देन वी सी से भी है, तो अगर वी लेस देन वी सी है सैटेलाइट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ। तो अगर उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी उसको दिया तो ऊपर तो जाएगा, जैसे मैंने बोला था वो रॉकेट ऊपर जाता है बाद में सैटेलाइट को बाहर निकलते हैं, जितना रॉकेट की वेलोसिटी उतना ही सैटेलाइट की वेलोसिटी होता है, तो बाद में क्या हो जाएगा वो सैटेलाइट इट विल स्टार्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट, आई विल सजेस्ट यू टू पॉज इट एंड नोट डाउन। ओके बेटा समझ में आया, तो अभी कितना चीजा चीज हमने लिखा है वो हम देखते हैं। तो अभी अपन ने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पहली बात पढ़ी है कि किसी भी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है तो उसको मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी वो कितना है, gmm/2r। अगर उसको बाहर निकालना है तो वेलोसिटी मिनिमम कितना देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, उसका कितना है √2gm/r। ओके अभी हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को कहाँ से किया जाएगा, अर्थ की सरफेस से किया जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट उसको कैपिटल आर लेते हैं, और वी सी कितना रहेंगे जस्ट gm/r। ये हो गया एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड भी बोलते हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। तो मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने आपको बता दिया अगर गिवन वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी इट विल एस्केप, इफ इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी देन देयर स्टिल देयर आर टू थिंग्स, वी लेस देन वी सी, वी इक्वल टू वी सी। ओके और एक होगा वी ग्रेटर देन वी सी और वी लेस देन वी, मतलब क्या हो जाएगा VC less than V. देखो पहला वेलोसिटी मैंने बॉडी को कौन सा दिया, जिसमें बॉडी उसका एस्केप वेलोसिटी जितना है उससे बॉडी चली गई, उसने क्या किया अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को काट, द बॉडी जस्ट वेंट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। दूसरा वेलोसिटी मैंने दिया जो एस्केप वेलोसिटी से कम था, लेकिन मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, तो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितना दिया तो वह चक्कर चलाएगा, तो ये क्या करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ, मतलब उसको मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं दिख रहा हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट लिख रहा हूँ, तो वो क्या करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता चलेगा, है ना बेटा।
बॉडी को इतना बड़ा स्पेस दिया तो बॉडी कैसे जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, बराबर। अगर उसको कम दिया, इससे भी कम दिया, विल फॉल टूवर्ड्स अर्थ, तो क्या बन जाएगा, वो तो अर्थ के ऊपर फॉल कर जाएगा, बराबर। अगर इतना दिया हाँ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। तो अगर इतना वेलोसिटी दिया तो बॉडी ऐसे चलेगी, ये अगर मेरा अर्थ है तो ये कैसे चलेगा, बराबर सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ऑर्बिट में, सॉरी सर्कुलर ऑर्बिट में वो जाए। और इसको ऐसे अगर दिया तो बॉडी कैसे ये करेगा, बॉडी चक्कर तो चलाएगा लेकिन ऐसे तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चक्कर चलाएगा। तो यही इम्पोर्टेंट थिंग है। और इसके बाद में मेन इम्पोर्टेंट थिंग है जो ऑर्बिटिंग बॉडीज के लिए वो है केप्लर्स लॉ। तो केप्लर्स लॉ में लास्ट में लगता है, हाँ हालांकि आपके ग्रेविटेशन टॉपिक में पहले है लेकिन कोई कोई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सीखने के बाद आपको ऑर्बिट क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या, ये सब समझ में आता है। इसलिए मैंने केप्लर्स लॉ साइड में रखा है, लास्ट में रखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक दैट केप्लर्स लॉ टू। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, तो अगर बॉडी को हम डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी देते हैं तो कैसे वो बॉडी अलग अलग ऑर्बिट में घूमती है, इसमें तो ऑर्बिट का सवाल ही नहीं है। पहले में तो v इज इक्वल टू ve, बॉडी वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। सेकंड वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी, उसमें भी तीन पार्ट बने, लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, हाँ है, क्या क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब v इक्वल टू करंट इक्वल टू vc, तो क्रिटिकल वेलोसिटी है तो बॉडी क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चक्कर लगाएगा। क्या उससे भी ज्यादा है, मतलब एस्केप वेलोसिटी से कम, ठीक से देखो, एस्केप वेलोसिटी से कम लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा, अगर मैंने वेलोसिटी दिया बॉडी तो क्या हो जाएगा, बॉडी इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ का चक्कर लगाएगा। vc लेस देन v, लेस देन v मतलब v तो vc से बड़ा है, v इज ग्रेटर देन vc, बट सेम v इज लेस देन v, एस्केप से कम, क्रिटिकल से ज्यादा, एस्केप से कम, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप वेलोसिटी जितना, बॉडी विल एस्केप आउट, एस्केप वेलोसिटी से कम लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा अगर दिया तो बॉडी क्या करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करेगा। एस्केप वेलोसिटी से कम ऑफकोर्स, बट कितना दिया, एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके क्रिटिकल वेलोसिटी जितना दिया तो बॉडी विल क्या, बॉडी क्या करेगा, बॉडी विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट। और अगर आपने क्रिटिकल वेलोसिटी से भी कम दिया तो आपकी बॉडी को कोई बचा नहीं सकता, बॉडी विल डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस, ये तो पक्का है, बॉडी गिरने वाली है, बॉडी विल फॉल ऑन द अर्थ सर्फेस। तो ये तीन चीजें। तो अभी अपने जो सैटेलाइट है, अपने जो सैटेलाइट है मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन में अर्थ का चक्कर लगाते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन में क्यों करते हैं, क्योंकि सर्कुलर इलिप्टिकल भी होते हैं, उनके ऑर्बिट थोड़े से एडजस्ट किए हुए होते हैं, क्योंकि अर्थ एक्चुअली स्फेरिकल दिखता है लेकिन स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा पोल्स में उसको कॉम्प्रेस है, तो वो जो चक्कर चलाना है तो उसके हिसाब से साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैसा ऑर्बिट होना चाहिए, कैसे उसको चक्कर लगाने हैं, ऐसा लगाना है तो ऐसा लगाया तो कौन कौन से कंट्री पे वो नज़र रखेगा, क्योंकि सैटेलाइट का काम क्या है, खाली घूमना नहीं है, तो घूमते घूमते वो फोटोग्राफ्स लेता है अपना, सब ये जो सब इंटरनेट आपके सामने में दिख रहा हूँ, वजह है इसकी सैटेलाइट। तो थैंक्स टू डियर सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं सब ऊपर, उसके बदौलत हम अभी ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ। तो कौन से ऑर्बिट में वो सैटेलाइट घूमना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दैट द वेलोसिटी इज गिवन टू दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ गया बेटा, अभी तो ये आधी बात समझ गए, आधी बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखा, बाइंडिंग एनर्जी सीखा, बाद में ये इसके वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सब सीखा आपने,
तो इसके बाद में जो बॉडी घूम रही है, मतलब जो सैटेलाइट घूम रहा है, उसके लिए क्या होगा वो देखेंगे। तो उससे पहले आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, आफ्टरवर्ड्स वी विल गो अहेड। ओके बेटा, हो गया। अभी क्या करना है हमको, अभी हमको एक चीज करनी है कि अभी जो मैंने इससे पहले मैंने लिया था ना फ्रीक्वेंसी वगैरह, वो सब चीजें मेरे को अभी करनी है। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है m, और किसी r डिस्टेंस पे, मतलब r इज इक्वल टू r प्लस h, यहां पे मेरा सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट। माय सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन द सर्कुलर ऑर्बिट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, ये पूरा बन गया r इज इक्वल टू r प्लस h, और इस ऑर्बिट में माय सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्क्युलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना है r इज इक्वल टू r प्लस h। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑफकोर्स इतना है, अभी बताया ऐसे घूमने के लिए उसको कितना लगेगा, ऑफकोर्स इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट जी एम ऑन आर प्लस एच। अभी आर नहीं लिखूंगा मैं, आर प्लस एच लिखूंगा क्योंकि रिकॉर्ड है ना बेटा। ओके, ये एच क्यों होता है, कितने हाइट में उसको ये करना है, उसको घुमाना है वो भी। ओके, नाउ नंबर वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए इस सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है। तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ जब आपको समझ में। तो स्पीड कितना, स्पीड को कितना लेना है, तो आपको स्पीड को मालूम है, उसका स्पीड लेना है वी सी, डिस्टेंस लेना है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, और टाइम लेना है टी। तो अगर मैंने ऐसे चला गया, मैं ऐसे काम करता गया, तो आई विल गेट दैट टाइम पीरियड में टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी सी, बन गया 2 पाई आर अपॉन वी सी। अब ये टाइम पीरियड का आपको आगे जाके कैसे आता है उसको डिराइव करना पड़ेगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, अगेन वी विल गो फर्दर। तो ये हो गया, तो ये तो मेरा बन गया। अभी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन bc, इसको हम आगे जाके इसको थोड़ा सा 2 पाई अपॉन bc, bc का फॉर्मूला क्या है, रूट जी एम अपॉन r। तो इसको स्क्वायर करते हैं, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन r, इसका रूट चला गया r ऊपर गया, तो t स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम, 4 पाई आर क्यूब अपॉन जी एम, ये क्या बन गया टाइम पीरियड बन गया। उसका फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, इससे उल्टा, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो फ्रीक्वेंसी किया तो 1 बाय टी करके हम उसका फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, ये बन गया इसका टाइम पीरियड। तो पहले आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा,
बनेगा क्या है, 4πgm, 4πgm, they all are constant. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t square is proportional to r cube. तो ये आपके केपलर्स लॉ में भी आता है, लेकिन इसको मैं इस तरह से आपको पढ़ा दिया. ओके, क्या होता है, ये रूल बन गया क्या, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट के ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ सकते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है मैं आपको बताने वाला हूँ. मैंने पहले क्या किया, एक मेन चीज़ें आपको पहले मैंने सीखा के लिए, सो दैट आई विल बी एबल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स आउट ऑफ दैट. तो मैंने इसके बाद में मैं मॉड्यूल नंबर, पेज नंबर, पीडीएफ कहाँ पे है, प्रॉब्लम नंबर, वो लेके आऊँगा और एक एक प्रॉब्लम आपको करते जाऊँगा बाद में. पहले मेरे को ये पूरा कर लेता. अभी आपका ग्रेविटेशन का मोस्ट ऑफ द कंटेंट अभी अबाउट टू फिनिश है. हम जब प्रॉब्लम सीखेंगे तब आपको मैं डिटेल में उसका ये भेज दूँगा, ये पढ़ाऊंगा आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है इसके आगे की. पहले तो हमने थोड़े थोड़े प्रॉब्लम एक दो करके हमने सॉल्व किए हैं, उसके बाद में इसमें से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं ये आपको दिखाऊंगा, मॉड्यूल में से भी प्रॉब्लम लेके आपको दिखाऊंगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. ओके, एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ पीरियड. ओके, तो वो केपलर में आएगा. अभी आपको ये ध्यान देना है, और अगर आपको इसका लिखना है टाइम का एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू, हाँ तो कैसे लिख सकते हो, 2πr लिखा और इसको उल्टा किया तो डिवाइडेड बाय, तो उल्टा करने पर कितना आर अपॉन जी. तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 1/2πr रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. तो ये बन गया टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सैटेलाइट. तो बाकी सारी चीज़ें जो कुछ है वो हम ऑफकोर्स इसके बाद में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस लेक्चर केयरफुली एंड मेक योर नोटिंग्स, मेक योर नोट्स. इफ़ यू डू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क मी पर्सनली ऑन माई व्हाट्सएप, यू मे आस्क मी एट द टाइम ऑफ डाउट सेशन. सो टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स. बाय बाय.